हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कडिला के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 29 जुलाई 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, या चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की दे दी है, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आज क्या हुआ कडिला में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन जो है कडिला -3.57% तक गिरा है और यहाँ पे इसकी जो आज के दिन क्लोजिंग हुई है वो हुई है 577.35 पे। तो यहाँ पे ये जो डाउनसाइड आया है वो क्यों आया है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। और यहाँ पे इसकी जो डाउनसाइड की जो बेयर मार्केट जो है इसमें अभी तक अब से वो उसका रीज़न क्या है उस बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि कल के दिन क्या हो सकता है आपका सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, और आने वाले दिनों में इसमें क्या ऐसे ही डाउनसाइड देखने मिल सकता है उस बारे में। तो चलिए अब हम जाते हैं सबसे पहले अपने वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वन डे के चार्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल जो है वो बड़ा डाउनसाइड का कैंडल बन चुका है। और यहाँ पे लेकिन RSI जो है, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि RSI जो है ओवरसोल्ड एरिया पे आ चुका है। मतलब यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो कुछ ज़्यादा ही सोल्ड हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो है अपसाइड मोमेंट आना तय है। अब कल के दिन जो है आपको बस ध्यान देना है, कल के दिन जो है वो थर्सडे है, इसकी वजह से यहाँ पे कल के दिन जो एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है इसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा कम करना है, या मोस्टली मैं तो कहूँ थर्सडे की जो है दिन जो है वो आपको ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल रहा है ट्रेड करने का। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें ये जो डाउनसाइड जो है इतने दिनों से जो आप देख सकते हैं वो क्यों आया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो डाउनसाइड जो है वो आया है फार्मा सेक्टर की वजह से। मोस्टली यहाँ पे जो फार्मा सेक्टर जो है वो ऑलरेडी ही यहाँ पे पिटा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे जो डाउनसाइड जो है फार्मा सेक्टर की वजह से आ रहा है। जितने भी यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड जो इतने भी स्टॉक्स है उसमें, और इसके यहाँ पे भी जो है डाउनसाइड आ रहा है। इवन जो यहाँ पे जो है इसकी जो डिविडेंड है उसकी वजह से यहाँ पे जो आज के दिन जो आया है वो उसकी डिविडेंड की वजह से है। डिविडेंड जो है ऑलरेडी यहाँ पे 3.50 का ग्रॉस यहाँ पे जो है खा लेता है और डिविडेंड जो है आपको यहाँ पे मिलता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है आपको एक डाउनसाइड दिखा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो अभी भी एक पॉजिटिविटी बरकरार है क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक RSI है वो भी यहाँ पे जो है अभी ओवरसोल्ड एरिया में है, इसकी वजह से यहाँ पे जो आपको एक अपसाइड मोमेंट देखना मिल सकता है कल के दिन। तो यहाँ पे कहाँ तक आपको देखने मिल सकता है उसको हम मार्क करते हैं और आपको वो भी बताते हैं कि इसमें जो आपको अगर नीचे साइड जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है 584 जो है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन हो जाता है इस स्टॉक के लिए। और यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है फिलहाल, तो यहाँ पे जो है उसने अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लिया है और अपसाइड मोमेंट दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है ये अपसाइड मोमेंट कब तक रहेगा उस बारे में आपको मेन थोड़ा सा सावधान होने की बात है। और फिर यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल जो ये स्टॉक है उसको आप देखेंगे ध्यान से, तो फिलहाल यहाँ पे जो है कल के दिन जो है अपसाइड मोमेंट की चांसेस है जो 571 से टच होके फिर 584 तक जाने की संभावना है। और इसी बीच रेंज में यहाँ पे जो है क्लोजिंग भी हो सकती है कल के दिन। इवन अगर कल के दिन जो है मार्केट डाउन रहा, मतलब मार्केट जो है फिलहाल आज दो दिन से तो डाउन ही है, लेकिन कल जैसे कि थर्सडे है तो मोस्टली यहाँ पे जो है सेलिंग आपको देखने मिल सकती है या फिर साइडवेज जाते हुए आपको दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है मोस्टली 556 जो है वो बहुत ही अच्छा एरिया हो जाता है आपके लिए एंट्री के लिए, अगर आपको एंट्री करनी है तो 556 लेवल पे आप इजीली एंट्री करके 584 तक का एक लेवल जो है उसके लिए आप टारगेट अपना सेट कर सकते हैं 556 से लेके 584 तक का। तो यहाँ पे एंट्री आपको फिलहाल जो है 571 पे तब भी लेनी है अगर आपको कंफर्मेशन एक सपोर्ट जोन से एक सपोर्ट लेते हुए अपसाइड मोमेंट लेते हुए दिखे तब भी आपको एंट्री करनी है, वरना आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि कल के दिन थर्सडे है तो थोड़ा ध्यान से आपको जो है ट्रेड करना है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।